बार एसोसिएशन रामपुर के अधिवक्ताओं ने प्रदेश में लगातार हो रही अधिवक्ताओं की हत्या व ग्राम न्यायालय की व्यवस्था प्रारंभ होने के विरोध में आज जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने लगातार अधिवक्ताओं की हत्या और न्यायालय की व्यवस्था होने के उपरांत विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, अधिवक्ता एकजुट होकर हड़ताल के लिए बैठ गए। बार एसोसिएशन रामपुर के महासचिव सतनाम सिंह मट्टू ने बताया, क्या नाम है? मैं सतनाम सिंह मट्टू, एडवोकेट महासचिव बार एसोसिएशन रामपुर। क्या मामला है? आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें एक आदेश जारी किया है कि आप आज विरोध दिवस मनाएंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। आज विरोध दिवस मनाएंगे, कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारी एडवोकेट काउंसिल बॉडी की जो सबसे बड़ी अध्यक्ष है, चेयरमैन दरवेश याद सिंह, उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई और कई अधिवक्ताओं की और हत्या की गई और हत्या का प्रयास किया गया। अधिवक्ता आज समाज जो है सुरक्षा से मायूस है, सुरक्षा नहीं दी जा रही। और जो हमारा अधिवक्ता कल्याण कोष का पैसा है, जो हम इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं, वो ही हमें नहीं दिया जा रहा। किसी भी अधिवक्ता को, उनके मृतक आश्रित को कोई भी पैसा आज तक नहीं दिया गया। हमारे चेयरमैन साहब जो हरिशंकर सिंह हैं, उन्होंने मिलने का समय मांगा मुख्यमंत्री से, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। यहाँ तक कि पत्र का जवाब भी नहीं दिया कि मेरे पास समय अभी नहीं है, इस दिन नहीं, इस दिन मिल लेंगे या 2 माह बाद मिल लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार हठधर्मियों पर है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वह हमारे बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दे, उनकी मांगे माने। अन्यथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अगर फिर से हमें विरोध दिवस मनाना पड़ा तो मनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के दायरे में हैं। क्या किया आपने? हमने आज विरोध दिवस मनाया है, कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को, कि वो हमारी मांगों को माने और अगर नहीं मानी गई तो जैसा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा हम फिर वही कार्य करेंगे।